हेलो हेलो, मुस्कान बेटी बोल रही है आप? जी, बोल रही हूँ। आप कौन? वो बेटा, बात यह है कि आपके पापा ने ना आपका नंबर दिया था। उन्होंने ये बोला था कि आपको पैसे भेजने हैं। मेरे पापा ने बोला पैसे भेजने के लिए? हाँ जी बेटा, वो आपने अपने पापा से पैसे मांगे होंगे ना। बात एक्चुअली ये है कि मुझे आपके पापा के पैसे रिटर्न करने थे, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी के नंबर पर भेज दो। नहीं अंकल जी, मैंने तो उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। वैसे आप मेरे पापा को कैसे जानते? जी बेटा, आपके पापा का नाम मनोज है ना? जी हाँ, तो मेरे दोस्त है। आप बेटा ये बताओ कि इसी नंबर पर डाल दूँ पैसे? हाँ, आप इसी नंबर पर डाल दीजिए। ठीक है बेटा, तो मैं आपको 10,000 रुपये भेज रहा हूँ। चेक करना, चेक करना, आए क्या? जी अंकल, आ गए। अच्छा, तो 2,000 रुपये और डाल रहा हूँ, देखना एक बार। जी अंकल, आ गया मैसेज। ओह शिट बेटा, वो 2,000 की जगह ना 20,000 रुपये भेज दिए मैंने। 1-0 एक्स्ट्रा लग गया। जी अंकल, 1-0 ज्यादा लग गया, तो अब मैं क्या करूं? बेटा करना क्या है, वो तो गलती से चले गए ना। अब आप एक काम करो, 18,000 रुपये वापस भेज दो। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस पापा ने पैसे भिजवाए हैं किसी के थ्रू, तो उनको ट्रांसफर कर रही हूँ। वो क्या है ना, 2,000 की जगह गलती से 20,000 भेज दिए उन्होंने, 1-0 एक्स्ट्रा लग गया। पापा ने पैसे भिजवाए हैं, लेकिन तुमने मांगे क्यों? तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी उनसे पैसे मांगने की? अरे अरे मैंने कोई पैसे नहीं मांगे उनसे, उन्होंने किसी के थ्रू भिजवाए, तो तभी। वो किसी से क्यों बोलेंगे? चेक करो, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, कि तुम्हारे साथ ना हो जाए ये। वो मुझे ऑलरेडी 30,000 रुपये सेंड कर चुके हैं, और तुम बोल रहे हो कि स्कैम चल रहा है। क्या? हेलो, क्या हुआ बेटी, तुम्हारे मन में लालच आ गया क्या? नहीं अंकल जी, एक्चुअली आप मेरे पापा के दोस्त हैं, मैं आपके पैसे लेके कहाँ ही जाऊंगी। हाँ बेटा, वही तो, आपके पापा भी बहुत ईमानदार इंसान है। मेरे बुरे टाइम में ना उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। जी अंकल जी, मैं अभी आपको ना पैसे ट्रांसफर करती हूँ, 2 मिनट दीजिए। थैंक यू बेटा। सुन लिया? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार पापा से बात करके पूछ तो लो कि उन्होंने पैसे भेजे भी या नहीं भेजे हैं। अरे इसमें पूछने वाला क्या है, कोई पैसे ऐसे थोड़ा ट्रांसफर कर देता है। एक काम करो, बैलेंस चेक करो पहले अपना। इसमें चेक करने वाला क्या है, मैं तुम्हें मैसेज दिखाती हूँ। ये देखो। 1 मिनट, तुम्हारे फोन में इतना ही बैलेंस था ना? हाँ, पहले से ही इतना था। और अब भी इतना ही है। और ये देखो, मैसेज पर्सनल नंबर से आया है, किसी ने भेजा है तुम्हें ये जानबूझकर स्कैम करने के लिए। ये तो मैंने देखा ही नहीं। तुमने देखा नहीं ना, तुम्हारी एक लापरवाही के चक्कर में भी 18,000 रुपये चले जाते। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। ये उसी का कॉल है ना? हेलो बेटा, पैसे नहीं डाले आपने? अंकल पैसे तो नहीं डालेंगे, लेकिन आपको जेल में जरूर डालेंगे। पुलिस, कौन? देखा, फोन स्विच ऑफ कर दिया। कितनी चालाकी से स्कैम कर रहा था ना ये। देखा दोस्तों, आपने ऐसे कॉल मैसेजेस आपके पास भी आ सकते हैं, आपके दोस्तों के पास, आपके सगे संबंधियों के पास और आपके रिश्तेदारों के पास। इसीलिए दोस्तों, अवेयर रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग अवेयर रह सके। मुस्कान, कॉफी बना दो यार।